चुनाव के एन वक्त पहले मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को जगह दी है, जिनमें बालाघाट से विधायक और पहले भी मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके गौरीशंकर बिसेन को एक बार फिर मंत्री बनाया गया है। उनके साथ 2 अन्य विधायकों ने भी राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद गौरीशंकर बिसेन ने ईएमएस टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि वह लंबे समय से राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में वह किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उसके बाद उन्होंने पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने पर चुनाव लड़कर लगातार जनता की सेवा की और वह पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उनके मंत्री बनने से महाकौशल में पार्टी को फायदा मिलेगा। अभी छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में भाजपा के करीब 15 विधायक हैं, लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में पार्टी को फायदा मिलेगा। क्षेत्र में हम अपनी व्यवस्थाओं को बढ़ाएंगे और काम करेंगे जिससे यहाँ पार्टी के विधायकों की संख्या 25 तक हो सके। बड़ी जिम्मेदारी मिली महाकौशल में, हमारे 8 जिले आते हैं, 30 विधायक माननीय चुने जाते। इस समय में भारतीय जनता पार्टी के पास में 13 विधानसभा क्षेत्र, 13 विधायक हैं, 1 निर्दलीय हैं और बाकी 24 है कांग्रेस। महाकौशल में हम अपनी सीटों को कैसे बढ़ाएं और छिंदवाड़ा में भी 7 कांग्रेस के पास हैं, बालाघाट में हमारे 2 सीट से बीजेपी की, सिवनी में हमारे पास 2 सीट हैं, लगभग महाकौशल में मैं कह सकता हूँ उनकी संख्या 14-15 हमसे अधिक। पहली तो हमारी प्राथमिकता है कि 30-40 दिनों में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करके ऐसा वातावरण बनाना कि हम कम से कम 25 सीटें भाजपा के पक्ष में लाने में सकते हैं। इसके बाद जब समय बचेगा तो राज्य के अन्य क्षेत्र में किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष 1999 से लेकर 2004 तक हमने काम किया है, पूरे प्रदेश में जाना हुआ है, 313 विकास खंड में जाना हुआ है। तो जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, विशेष तौर से ओबीसी वर्ग है, अभी ओबीसी वेलफेयर कमीशन का मैं चेयरमैन हूँ, तो उस नाते हमने जो कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के आधार पर जो पंचायती राज के चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव में हमको आरक्षण मिला, वो भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और 35% तक इकाई सा आरक्षण प्राप्त करके हमने राज्य के चुनाव संपन्न कराए। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार की बड़ी जीत है। इन सब बातों को आम जनमानस तक पहुंचाएंगे। लाडली बहन योजना, आज 1,36,00,000 हमारी बहनें रजिस्टर्ड हो चुकी, जो लाडली बहना योजना के लिए पात्र पाएगी, ये संख्या कम से बढ़ेगी। तो हमारा एजेंडा है जनकल्याण और लक्ष्य विकास, चौमुखी विकास। लेकिन सर, कांग्रेस तो कह रही है कि 50 दिन बचे हैं अब चुनाव में, लेकिन अब देखिए कांग्रेस को ये कहने पे क्यों हम सुनते हैं हमारे समझ से बाहर। कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने अपना वचन पत्र जारी किया, उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संबंधों अध्यक्ष थे, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा था कि 2,00,000 तक के किसानों के कर्जे माफ करेंगे, तो उन्होंने वचन निभाया क्या? उन्होंने जनता के साथ वादा क्या किया? उन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? एक रकबा बढ़ाया क्या? अनाज का उन्होंने उत्पादन बढ़ाया क्या? वो तो 15 मिनट तक टाइम पास मुख्यमंत्री रहे। उनके जमाने में तो बोरों से वल्लभ भवन में पैसा कलेक्शन होता था। भ्रष्टाचार का आलम तो ये था कि वल्लभ भवन भ्रष्टाचार खत्म बन चुका। सर, विभाग को लेकर क्या कहना चाहेंगे मंत्री पद की शपथ? जो भी काम माननीय मुख्यमंत्री 2008-13 तक सहकारिता पीएचई विभाग का काम दिया, बाद में 13-18 तक कृषि मंत्रालय दिया, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपना देंगे उसका पूरा ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, समर्पण भाव से हम काम करेंगे।